जो पहली सीमा हो गई वो हो गई विपरीत प्रवाह, विपरीत प्रवाह कैसे देखते हैं, देखिए कभी कभी क्या होता है जो अधिकारिक वर्ग होगा ठीक और कर्मचारी वर्ग होगा वो मनोवैज्ञानिक तरीका, एक मनोवैज्ञानिक तरीका ही मान लीजिए आपका ठीक है, मनोवैज्ञानिक तरीके से एक दूसरे को बराबर स्तर का दर्जा देने में कुछ आनाकानाफूसी भी करते हैं ठीक है, आनाकानी भी करते हैं कि नहीं कैसे हो सकता है। अधिकारी वर्ग का हमेशा मानना होगा कि भाई जो मजदूर वर्ग का आदमी है ठीक है वो हमारे बराबर नहीं है ठीक है, बराबर नहीं है। और कर्मचारी वर्ग का क्या मानना होगा कि बॉस जो है ठीक है, बॉस कभी भी कर्मचारी का भला कभी भी भला नहीं सोचता, ऐसी कंडीशन बनती है ठीक। अब अधिकारी वर्ग इसका क्या सोचेगा, हमेशा रोना रहता है, रोना या काम चोरी कह लो, काम चोरी रहती है। ये सोचता है कौन, ये अधिकारिक वर्ग सोचता है हमेशा। और कर्मचारी क्या सोचेगा, पूर्ण रूप से काम नहीं दिखता, इसको नहीं दिखता बॉस को। तो इस प्रकार की कुछ अवधारणाएं बनती रहती है, मतलब एक दूसरे के विपरीत प्रवाह रहता है ठीक है दोनों में ही। अगर ये विपरीत प्रवाह ना हो ठीक, कंडीशन ऐसी ना हो, अब यहाँ पे क्या होगा कि जो एक संरचना बनी हुई है, जो संगठन बना हुआ है ठीक है, जो संगठन का संरचना है इसमें ये दोनों ही काम कर रहे हैं आपके ठीक, दोनों ही काम कर रहे हैं, इन दोनों को मिलाकर एक संगठन की संरचना बनेगी। ऐसा नहीं है कि आपने कोई संगठन बना लिया उसमें ना तो कोई अधिकारी है ना कर्मचारी है, या फिर एक अधिकारी अधिकारी या फिर एक कर्मचारी कर्मचारी है ठीक है, दोनों को मिलाकर ये संगठन हमेशा बनता है। तो संगठनात्मक संरचना में जो उच्च अधिकारी एवं अधीनस्थों यानी कि अधिकारी और कर्मचारी जो होंगे उन दोनों में मनोवैज्ञानिक ठीक है इसको स्वीकार करने में कठिनाइयों का अनुभव करता है, जो मनोवैज्ञानिक स्थिति है ठीक, कैसी मनोवैज्ञानिक स्थिति कि बराबरी का दर्जा वाली ठीक है, ये सब जो स्थिति मैंने लिखी इनको स्वीकार नहीं करता, दोनों ही वर्ग आपस में स्वीकार नहीं करते ठीक। बॉस एम्प्लॉय के लिए कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन बॉस एम्प्लॉय क्या सोचेगा कि जब तक बॉस को मेरी जरूरत है तब वो मेरे साथ है, जिस दिन मेरी जरूरत खत्म होगी उस दिन मेरे को लात मार देगा ठीक। और जो बॉस होगा वो भी सोचेगा कि इसे नौकरी जरूरत है, जिस दिन इसे दूसरी मिल गई उस दिन ही छोड़ के चला जाएगा। और वैसे बात सत्य भी है ठीक है, लेकिन ये हर जगह पर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते ठीक। तो इसी क्या है विपरीत प्रवाह में, इसकी कुछ सीमा है, विपरीत प्रवाह सीमा है एक प्रकार से ठीक है। आप अपवर्ड कम्युनिकेशन तो कर रहे हो, लेकिन अपवर्ड कम्युनिकेशन में भी सब सीमाएं होती हैं, इनके बिहाफ पे अपवर्ड कम्युनिकेशन आपका चलेगा। इसकी अगली सीमा देख लेते हैं, देखिए इसमें क्या होता है, जो कर्मचारी होगा ठीक वो क्या करेगा, जो अधिकारी होगा अधिकारी के ऑर्डर की अवहेलना करते हैं ठीक है, कर्मचारी अधिकारी के आदेशों की अवहेलना करते हैं, इस प्रकार की कंडीशन बनती है। अब यहां पे क्या है, आप अधिकारी और कर्मचारी का वर्ग ले लो, या फिर देखिए मुखिया हो गया परिवार का ठीक, जब मुखिया हो गया और इस मुखिया के अंदर चार लोग हैं परिवार में ठीक है, नंबर वन
नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर। मान लीजिए नंबर टू का जो व्यक्ति है वो क्या करता है, मुखिया के जो मुखिया जो है उसकी बात की अवहेलना करता है, तो अवहेलना भी हो सकती है, ठीक है, कटुदास ठुकराता है। अब देखिए ऐसा भी नहीं रुकता ना कि जो मुखिया ने या फिर यहाँ पर जो अधिकारी ने जो बात कही कही वह पूर्ण रूप से सही या सत्य सत्य या असत्य है, ठीक, ये कंडीशन। देखिए अधिकारी ने जो भी बात कही क्या वो पूर्ण रूप से सही है, यहाँ पे जो बात हो रही पूर्ण रूप से सत्य या असत्य है, इस बात का फैसला कौन करेगा, इस बात का फैसला करेंगे केवल दो ही लोग, एक जो बात को कह रहा है, दूसरा जो बात को सुन रहा है। अगर आपको लगेगा, ठीक है, मान लीजिए अधिकारी ने कहा, कर्मचारी ने अपनी समस्या पहले बताई अधिकारी को कि सर ऐसी समस्या है, मेरी बीवी ने मेरे को ये बोला है, नौकरी छोड़ दे, छोड़ दो, ठीक है। अब बॉस को दिख रहा है क्या कि भाई मुझे इस एम्प्लॉय की जरूरत है अभी फिलहाल के लिए, लाइफ टाइम जरूरत हो ना वो बात अलग है, लेकिन फिलहाल के लिए जरूरत है, तो क्या बोलेगा, भाई एक काम कर, बीवियों का नखरे छोड़ दे। क्या बोलेगा, बड़ा अजीब आदमी यार, अपनी क्यों नहीं छोड़ी फिर ऐसे आज तक, अपनी क्यों नहीं छोड़ी, ठीक। तो क्या हो गया, अब जो आदेश वाली बात आ गई, अधिकारी ने एक सुझाव दिया, आदेश दिया कि आप अपनी बीवी को छोड़ दो, जॉब छोड़ो, क्या करोगे, जॉब छोड़ोगे नहीं ढूंढोगे, काम के लिए भटकोगे, पैसा नहीं आएगा, क्या फायदा होगा, बीवी के बीवी तो फिर भाग जाएगी जब जॉब छोड़ोगे। तो क्या हो गया, अधिकारी यहाँ क्या कर रहा है, कर्मचारी अधिकारों के आदेश की अवहेलना करता है, ठीक है, क्योंकि उसकी बात का कोई अर्थ नहीं है, पूर्ण रूप से सत्य असत्य उसकी बात नहीं है। और यही बात क्या होती है, इसमें भी हो सकती है, पारिवारिक में भी, परिवार में क्या हो सकता है, जो घर का मुखिया है उसने बात बोली कि भाई आपको कल कहीं जाना है, ठीक है, कहीं जाने के, कोई भी एक एक्स वाई जेड आपको बात बोल दी, अब अगर आपको लगता है कि ये बात सही नहीं है तो आप क्या करोगे, उसकी बात को नहीं मानोगे, उसकी बात की अवहेलना कर दोगे, ठुकरा दोगे, सिरे से खारिज कर दोगे उसकी बात को, ठीक। खास तौर पे फिलोसफी में होता है, बातों का खंडन करना इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की स्थिति बनेगी, और देखिए जो ये डायग्राम से मैं बनाता हूँ ना यहाँ पर, उसको आप नोट कर लीजिए, तो बहुत अच्छा एक शॉर्ट नोट्स आपके पास रेडी होंगे समझने के लिए चीज़ों को, ठीक है। तो अवहेलना की स्थिति ऐसा होगी अपवर्ड कम्युनिकेशन में, और अवहेलना भी जरूरी होती है, ऐसा नहीं कि आप हर बात को मानते चले जाएंगे, गलत हो या सही हो, कहते हैं कि बॉस इज ऑलवेज राइट वाली जो थ्योरी मैंने आपको बताई थी, तो उस वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। समझते हैं इसका अगला तीसरा पॉइंट क्या है इसका, देखिए क्या होगा कि जो कर्मचारी वर्ग है ठीक, कर्मचारी वर्ग कोई सूचना देता है अधिकारी वर्ग को, ठीक है, ये सूचना किसको दे रहा है, अधिकारी वर्ग को सूचना दे रहा है। अब ये क्या करते हैं कि जानबूझ के जो सूचना दी जा रही है उसका रूप बिगाड़ देते हैं, यानी कि देने वाली सूचना का रूप बिगाड़ना। अब जरूरी नहीं है, देखिए कभी कभी क्या हो सकता है, कंडीशन कैसी बनेगी, जिस कर्मचारी को काम दिया वो ना देकर के कोई दूसरा बंदा, सेकंड पर्सन जो है वो, मान लीजिए कोई दो कर्मचारी आपस में, नंबर दो नंबर तीन, ये कर्मचारी हो गए आपस में, काम देता नंबर तीन वाले को, ठीक है, उसने बोला यार मैं थोड़ा बिजी हूँ, मेरा काम तो हो गया, लेकिन तू एक काम करना, मेरी रिपोर्ट बॉस को दे देना, इसका अब इसने इसको बोल दिया रिपोर्ट बॉस को, अधिकारी को देना, ये क्या करेगा, यहाँ पर कहेगा यार बहुत समय बाद मौका मिला है, सब बदला लेने का पुराने वाला। हालांकि इसके मन में कोई मलाल नहीं है इसको लेकर के, लेकिन ये क्या करेगा, बदला लेने वाली बात कर रहा है। अब इसने कह के जो रिपोर्ट दे रहा अधिकारी को, उस रिपोर्ट को चेंज कर दिया, ठीक है, कुछ अच्छाइयों को बुराई बदल दिया, कुछ बुराइयों को अच्छाई बदल दिया। जब रिपोर्ट की कंडीशन चेंज कर दी, तो उसके चेंज होने के बाद में कंडीशन यहाँ कैसी हो गई कि जो सूचना मिली अधिकारी को वो गड़बड़ मिली, सूचना का रूप बिगड़ा हुआ मिला। अब जब सूचना का रूप बिगड़ा हुआ मिलेगा तो डांट किसको पड़ेगी, डांट पड़ेगी इसको, क्योंकि काम इसका था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लगेगा क्या, यार अच्छी वाली रिपोर्ट दी सर को और मेरे को डांट दिया खाने का, ठीक। तो ये कंडीशन यहाँ पर आती है कि रूप बिगड़ना, और ये कंडीशन घर में भी चलती है कभी कभी। घर में क्या चलती है कि भाई बहन है घर में आपस में दो तीन,
एक ने काम बिगाड़ दिया, ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि बताइए मत यार मेरे से काम बिगड़ गया, अच्छा तुरंत बता देता है कि मम्मी या पापा इसने ये कर दिया, ठीक क्या हुआ, बिगड़ा हुआ काम तुरंत बता दिया, एक दूसरे की चुगली, चुगली होती है चुगली, मोहल्ले में आंटियाँ करती हैं पड़ोसी चुगली, अरे उसके घर में ये चल रहा है, उसके घर में वो चल रहा है, क्या हो रहा है, बिगाड़ना, काम बिगाड़ना, ठीक है। यानी कि सूचना जो है काम, यहाँ पे हम काम वैसे नहीं बोलेंगे, काम का अर्थ क्या है यहाँ पे, सूचना का, जो सूचना दी जा रही है कम्युनिकेशन का जो माध्यम है उसको बिगाड़ दिया यहाँ पर, ठीक। अब ये किसी भी रूप में हो सकता है कम्युनिकेशन का माध्यम बिगाड़ना, दोस्त होते आपस में, मान लीजिए ग्रुप है, ठीक है, एक दो तीन चार, ये मैं दोस्त बनाए हैं, इनको आप ऐसे मतलब अंडे से रख दिए, दोस्त बनाए हैं, ठीक है, वो डिजाइन नहीं बना रहा प्रॉपर, अब ये चार जो दोस्त हैं इसका मैंने आइए बी सी डी नाम दे दिया, मान लीजिए ए और डी की आपस में बनती नहीं है, कम बनती है वो, ठीक है, और इस बात का फ़ायदा सी और बी उठा सकते हैं कभी भी, कैसे कि मान लीजिए इससे कम्युनिकेट नहीं हो पाया तो डी ने कुछ बात सी को बोली कि भाई एक काम करना मेरे घर पार्टी आ जाना, सी ने बताई नहीं ये बात ए को, बोल झूठ बोलते मैंने तो बता दी भाई, काम बिगाड़ दिया, सूचना बिगाड़ दी, ठीक। अब ये पहुंचा नहीं तो इसने बोला बेगो पता तू मुझसे नफरत करता था, ये तो बोलेगा अपने दोस्त को कि मुझे पता तू मुझसे नफरत करता था, इतनी नहीं करता था, मुझे नहीं पता था इतनी करता है कि मेरी जो पार्टी थी तू उसमें भी नहीं आएगा। अब कंडीशन कैसी हुई, ये बोलेगा भाई तूने सूचना कब दी, बोला झूठ मत बोल बे मैंने दी थी सूचना, सी से पूछे मैंने दी थी ना, बोलेगा हाँ दी तो थी यार मैंने मैसेज किया था बोला था इसको, अब क्या हो गया, सूचना मिली कि नहीं मिली वो अलग बात है, सूचना मिली भी हो तो गड़बड़ मिली, गलत सूचना मिली, ठीक। तो क्या हो गया यहाँ पर, ये इसकी एक लिमिटेशन होगी कि सूचना कभी कभी ऐसे भी होती है कि कर्मचारी वर्ग आधिकारिक वर्ग को ऐसी सूचना दे सकते, क्योंकि वहाँ पर क्या है संख्या ज़्यादा है, ठीक, ज़्यादा संख्या में हमेशा गड़बड़ की स्थिति से बच जाती है। तो ये इसका जो थर्ड इस पॉइंट था इसका ये हमने डिस्कस कर लिया, और इसके बाद हम इसका एक और टॉपिक हल्का जो है वो डिस्कस करेंगे, तो ये जो अपवर्ड कम्युनिकेशन आपका ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको प्रभावी बनाने वाले जो अभिमुख संचार है अपवर्ड कम्युनिकेशन, उसको प्रभावी बनाने वाले तत्व क्या है उनको डिस्कस करते हैं, प्रभावी बनाने वाले तत्व, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ऑफ इफेक्टिव अपवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक। प्रभावी बनाने वाले तत्व देखते हैं ऐसे क्या क्या है, पहला है भय की भावना को दूर करना, भय की भावना किसकी, अधिकारी जो है अधिकारी का भय होता है किसमें, कर्मचारी में, ठीक, अधिकारी का भय कर्मचारी में होगा, ठीक है, और कर्मचारी भय किस रूप में एक्सेप्ट करता है, काम के रूप में, ठीक भाई काम कर रहा है तभी तो एक्सेप्ट कर रहा है, और अधिकारी उसको डरा सकता है, ठीक है। अब देखिए जब भय की भावना है उसको दूर करने की बात, एक प्रकार से अगर कर्मचारी के अंदर भय होगा, कैसा भय, कि जो भी काम का रूप है उसको लेके भय बना रहेगा, ठीक है, या फिर जो भी ऑफिस के रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको लेके भय बना रहेगा, सॉरी उनको लेकर के भय बना रहेगा, तो क्या होगा इस कंडीशन में, कर्मचारी जो अधिकारी से काम को लेकर के पूरी तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये जो अपवर्ड कम्युनिकेशन है, अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या काम करता है कि जो अधिकारी है और यहाँ कर्मचारी है, ठीक, इनका आपस में कम्युनिकेशन करवाता है, यानी कर्मचारी से अधिकारी की तरफ जाता है, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कर्मचारी को ऊपर कर देता हूँ,
और अधिकारी का नीचे कर देता हूँ। दोनों ही कंडीशन सही है। बस कंडीशन पे क्या ध्यान रखना है हमें कि कर्मचारी वर्ग से अधिकारी वर्ग की तरफ सूचना का आदान प्रदान होना, मतलब कर्मचारी की बातों को अधिकारी भी सुन रहा है, समझ रहा है। तो यहाँ क्या होगा, जब ऐसी भावना आ जाए तो भय की भावना दूर हो जाएगी। ठीक, जो बॉस है, अगर बॉस से आपको डर ना लगे, ठीक है, आपको पता है आपको आपके बॉस से डर नहीं लगना, तो आप क्या करोगे, आप अपनी बात को आसानी से कह सकोगे। ठीक है, आसानी से कह सकोगे। और बॉस भी है, कभी कभी देखो कुछ विपरीत स्थिति भी होती है, कैसी कि बॉस जानता है कुछ एम्प्लॉय ना खूंखार टाइप के होते हैं, मतलब समझते नहीं कि बॉस बॉस है, क्या बॉस गया तेल लेने, वो बॉस को सुना देगा। ठीक है, अब बॉस को बताया इसकी ज़रूरत तो अभी है, 6 महीने के लिए ज़रूरत है इसकी, ठीक, तो अभी तो नहीं निकालूंगा इसको, बाद में देखते हैं इससे क्या करना है। तो ऐसे कुछ एम्प्लॉय भी होते हैं, उनकी कंडीशन अलग होती है, लेकिन उनके अंदर भी एक डर रहेगा हमेशा, किस बात का, यार बॉस है कभी भी निकाल देगा भाई, क्या करें। ठीक, तो क्या है यहाँ पर, अगर आपस में कम्युनिकेशन होगा तो समस्याओं का आदान प्रदान होगा, घटनाएं दूर होगा, तो क्या होगा, भय की जो भावना है वो दूर होगी। परिवार में भी होता है ना, परिवार में जब तक आपके अंदर भय रहता है, ठीक है, मान लीजिए आपके अंदर भय है पापा का मम्मी का, आप गलत काम करने डरोगे, आप गलत काम नहीं करोगे, ठीक, भय खत्म हो गया। अब वो कहते हैं ना कि यार दोस्तों के साथ बैठा था और दोस्तों ने शराब पिला दी, मैंने नहीं पी, दोस्तों ने पिला दी, भाई पी तो तूने ही, दोस्तों ने क्या जबरदस्ती पिला दी कि जबरदस्ती उन्होंने ठूस दी तेरे मुँह में, ले तू पिएगा, ये तो तेरे दोस्तों ने पिला दी, मैंने थोड़ी पी। ठीक, अगले दिन पापा ने बुरी तरह पीट दिया, क्या हो गया, भय आ गया, भय आ गया। ठीक, अब जो भय आया उसकी वजह से क्या है, दोस्तों बोले यार नहीं यार नहीं पीऊँगा, क्यों, पापा बहुत मारते यार, बोलते गंदी चीज़ें नहीं पीऊँगा, तो क्या हो गया, भय आ गया। ठीक है, देखिए शराब जो ऐसी मतलब कोई भी नशा, शराब नहीं बोलूँगा, कोई भी नशा करने से जो स्थिति है वो आदमी के मानसिक रूप से डिपेंड करती है, उसका मन है तो वो करेगा, नहीं मना तो नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर भय की भावना नहीं दिखती, लेकिन भय की भावना कहाँ दिख रही है, अगर वो किसी से डर के उस काम को कर रहा है या नहीं कर रहा है, तब भय की भावना दिख रही है आपको। ठीक है, ये कंडीशन आ जाती है, तो भय कहीं भी देखने को मिल सकता है। आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, क्यों कर रहे हो, क्योंकि डर है आपके अंदर, करेक्ट है, एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे, फेल होगे तो नौकरी नहीं लगेगी, नौकरी नहीं लगेगी तो बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देगा, वो क्रेडिट कार्ड नहीं देगा तो शादी नहीं होगी भाई, कुछ भी नहीं होता पैसे के बिना देश में। ठीक, तो सब कंडीशन, जब तक आपके अंदर भय है तब तक आप अपनी सुविधा सुरक्षा का ध्यान रखोगे। फिर वो वाली बात तो आ जाती है, वो डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत तो आई, भय है तो आप उससे का इलाज करोगे और जीत हासिल करोगे। ठीक, तो पहला जो इसका इसको प्रभावी बनाने वाला तत्व है अपवर्ड कम्युनिकेशन को, वो क्या है, भय की भावना को दूर करता है। ये अगला पॉइंट देख लेते हैं, इसका सेकंड पॉइंट है उदारता पूर्वक। उदारता पूर्वक संचार के लिए प्रेरित करना। देखिए जो अधिकारी वर्ग है, अधिकारी वर्ग उदारता पूर्वक कर्मचारी वर्ग से संचार करता है। ठीक, संचार कर रहे हैं आपस में दोनों एकदम पोलाइटली, इजीली बात, किसी को डांट नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, बस आराम से बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये काम करना होगा, यस बॉस काम हो जाएगा, इतने दिन ले लीजिएगा, इतने समय ले लीजिएगा, आपका काम बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये वो उदारता पूर्वक संचार कर रहा है और इससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है संचार करने में। ठीक, अब यहाँ पर अगर ये उदारतापूर्वक स्थिति ना होगी तो क्या होगी स्थिति भाई, कि अधिकारी वर्ग जो है वो कर्मचारी वर्ग को समझ नहीं रहा, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, और सेम कंडीशन आप परिवार और उसके मुख्य अफसर यहाँ बढ़ेगी, यार नहीं सही था यार, रुक जाओ, सॉरी यार गलती हो, परिवार और मुखिया के बीच में जाएगी सेम कंडीशन। इसमें क्या होगा कि जो मुखिया है, ठीक, मुखिया अगर उदारतापूर्वक नहीं होगा, आपकी बातों को नहीं समझेगा, तो ये परिवार के सदस्य हैं, क्या वो उसे संचार कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो उदारतापूर्वक वाली जो स्थिति, यानी कि
आप किसी को संयम रख के सुन रहे हो, समझ रहे हो, और जब संयम रख के सुन और समझ रहे हो तब आपको एक एहसास हो रहा है कि हाँ सामने वाले को चाहिए क्या, सामने वाले की जरूरतों को आप पूरा कर सकते हो, अपनी जरूरतों को आप पूरा कर सकते हो। ठीक है, तो उदारतापूर्वक संचार भी एक प्रभावी बनाता है अपवर्ड कम्युनिकेशन को। ठीक है, ये भी एक प्रभावी बनाने वाला तत्व है उसका। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या है। यहाँ जो बात हो रही है द्विमार्गीय, ठीक है, द्विमार्गीय कैसे होगी, जो आपका कर्मचारी वर्ग है और जो आपका अधिकारी वर्ग है। ठीक, अब अगर आप इस साइन को या तो ऐसे ले लो एक तरफ, ठीक है, या फिर इस साइन को आप ऐसे ना करके ऐसे कर दो, तो क्या होगा, संचार आपको क्या दिख रहा है, संचार आपको अधिकारिक वर्ग से कर्मचारी वर्ग की तरफ दिख रहा है या फिर कर्मचारी वर्ग से अधिकारी वर्ग की तरफ दिख रहा है। लेकिन आप इसको डुअल सिस्टम बना दो, ऐसे कर दो, ठीक है, ये देखिए अब ये सिस्टम हो गया आपका। इससे क्या होगा, लग रहा है कि दोनों के आपस में विचारों का आदान प्रदान हो रहा है इस सिस्टम के थ्रू। ठीक है, कर्मचारी अपनी बात आराम से कह सकता है, अधिकारी भी कह सकता है, तो इसको हम बोलेंगे खुले दरवाजों की नीति, यानी कि दुर्गामी होना चाहिए, खुले दरवाजों की नीतियों को दुर्गामी होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कर्मचारी के पास में कुछ बिंदु हैं, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिससे वो क्या करेगा कि जो काम है उसको अच्छा कर सकता है। अब अधिकारी, अब होता है जैसे कि आपने देखा होगा कि एक ऑफिस हो गया, ठीक है, वहाँ पर ये कुछ ऑफिसर बैठे हैं, मान लीजिए तीन ही ऑफिसर हैं, अब ये तीनों को तो ऑफिसर बना दिया, उसके बाद में कोई इनका भी एक सीनियर ऑफिसर बैठा है, यहाँ पे मैं सीनियर ऑफिसर बनाता हूँ जो इन तीनों का सीनियर ऑफिसर है। ठीक, ये इन तीनों का भी सीनियर ऑफिसर है। अब यहाँ पर कुछ नीचे जूनियर ऑफिसर्स हैं, ये जूनियर कर्मचारी मान लीजिए इनको आप, ठीक है, अब देखिए ये कंडीशन बन गई कैसी, समझिएगा, विचारों के आदान प्रदान की। यहाँ पे क्या होगा कि मान लीजिए इन्होंने कोई क्वेश्चन उठाया कि भाई ये जो क्वेश्चन है इनका उसका सॉल्यूशन क्या है, तब क्या होगा कि यहाँ पे आज ये क्वेश्चन कर रहे हैं तीनों से, लेकिन साथ में ग्रुप तो सभी बैठा है, मीटिंग तो पूरे ग्रुप की चल रही है। अब कंडीशन क्या आ गई, जो ऐसा क्वेश्चन बना दिया, अब इन तीनों से आंसर की उम्मीद की जाती है, किसके द्वारा, इसके द्वारा, ये इन तीनों से आंसर की उम्मीद कर रहा है, लेकिन सुनते ही भी रहे हैं, इनको पता ही नहीं आंसर के बारे में कि क्या होना चाहिए। अब कहीं से ये बंदा उठा, इस बंदे ने बोला कि सर इसके बारे में मैं बताऊं। अब देखिए क्या स्थिति आ जाती है कि ये तीनों बंदे जो है ना, ये सोचेंगे क्या, अरे ओ बैठ जा, तू हमसे बहुत छोटा है, ठीक है, हम नहीं बता पाएंगे, तू कैसे बता देगा इसका आंसर, तुझे कैसे पता, इतनी नॉलेज है तुझे, तो क्या आ गया, इन्होंने यहाँ पे इसका पद देखा कि ये हमसे जूनियर है और जो हमारा सीनियर क्वेश्चन कर रहा है फिर भी ये जवाब देने की बात कर रहा है, इसे पता होगा क्या जवाब है, बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक, हालांकि अधिकारी इसको बोलेगा कि भाई बताइए, तो ये भी क्या करेंगे, ये उल्टा ये तीनों जो हैं मिलकर के अधिकारी को ही बोलेंगे कि सर ये अपने आप को बहुत होशियार समझता है, कुछ नहीं है, ये बस चाय समोसे लाने लायक है, इसको भेजो यहाँ से, ठीक है, ये काम वही करेगा, ये भी बहुत जूनियर है, बहुत छोटी पोस्ट पर है, ये इतना बड़ा काम कैसे संभालेगा, सर आप भी क्या बात करें सर, तो कहेगा नहीं नहीं संभालने दो, भले इसके पास कितना भी ज्ञान हो, लेकिन ये जो ऊपर के बंदे बैठे हैं यहाँ पर, जो बंदे बैठे हैं वाले, ये इसके ज्ञान को यहाँ तक पहुँचने नहीं दे रहे। ठीक, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ खुले दरवाजों का एक प्रकार से अभाव दिख रहा है। अब अगर ये कंडीशन विपरीत कर दो इसकी, ठीक है, मतलब अधिकारी बोले भाई नहीं तुम्हारे जो पॉइंट्स हैं मुझे दो, मैं सुनना और समझना चाहूँगा तुम्हारे पॉइंट्स को, क्या तुम्हारे पॉइंट्स हैं, तब क्या करेगा ये बंदा, अपने पॉइंट्स को इसको देगा, यहाँ पर विचारों का आदान प्रदान होगा, तो इसको बोलेंगे क्या, द्विगामी मार्ग। ठीक है, विचारों का आदान प्रदान होना ऑफिस में, कि किसी के पोस्ट से किसी के पद से कोई मतलब नहीं होगा, जिसके पास जो नॉलेज होगी अगर वो उससे पूछी जा रही है तो वो देगा। ठीक है, ये नहीं डिपेंड होगा कि भाई किससे नॉलेज ली जा रही है, वहाँ पे मान लीजिए आप एक नोटिस बोर्ड है, नोटिस बोर्ड पे लगा दिया कि इस विषय में जिसको जानकारी हो इन विषयों में वो आकर संपर्क करें। ठीक, तो उस नोटिस बोर्ड पे थोड़ी कि केवल पोस्ट लगाई जाएगी, केवल मान लीजिए वो बोलेंगे कि जो सीनियर ऑफिसर हैं, सीनियर ऑफिसर जो हैं केवल वही इस विषय में आकर बोलेंगे, ऐसा तो कोई कंडीशन नहीं लगाई जाएगी ना, एक नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगा सब बोल सकते हैं यहाँ पे, तो ऐसे ही होना चाहिए मीटिंग के अंदर भी, कि अगर सारे इंसान बैठे तो सबको बोलने का जो वहाँ पर उपलब्ध हक है, चाहे वो
जूनियर हो, सीनियर हो, किसी भी पोस्ट पे हो, ठीक, तो उसको क्या आप बोलेंगे कि खुले दरवाजों की नीतियाँ होंगी वो, ठीक है। और खुले दरवाजों की नीतियाँ बहुत अच्छी होती हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन के माध्यम से, किसी भी संचार माध्यम को आगे बढ़ाने के लिए। अगला इसमें पॉइंट देख लेते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो ऑफिस का एरिया है, ठीक है, अब उसमें संचार के विभिन्न साधन होंगे और जितने साधन होंगे उतने ही अवरोध भी हो सकते हैं, ठीक। अब मान लीजिए कि कोई जानकारी देनी है किसी को, ठीक है, अब जानकारी देने के लिए अधिकारी जानकारी दे रहा है कर्मचारी को यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर एक लिमिट कर दी कि केवल और केवल सूचना पट्टिका, ठीक है, सूचना यहाँ पर देनी है, इसी सूचना के माध्यम से ही आप जानकारी दे सकते हो। यहाँ पर पोस्टर लगा दिए, ये पोस्टर लग गया कि भाई ये चीज़ें हैं जो रूल है फॉलो करने हैं। अब सोचिए कि एक कंपनी में 50 एम्प्लॉई हैं, ठीक, 50 एम्प्लॉई हैं, सूचना लगा दी। मान लीजिए एक इंसान गया हुआ छुट्टी पे, एक क्यों भाई, 50 एम्प्लॉई तो कम से कम 5 जा सकते हैं छुट्टी पर आराम से, ठीक, 5 गए हुए छुट्टी लेकर के बाहर। उन्होंने बोला हम आएंगे, एक हफ्ते की हो सकती है, एक महीने की हो सकती है, महीना मान ले चले एक महीने की छुट्टी, या फिर एक हफ्ते की मान लो कि ये पाँच का पाँचों इंसान है 1 वीक के लिए हॉलीडे पर है, ठीक है, वीक के लिए हॉलीडे पर है। अब यहाँ पर क्या सूचना है, ये जो सूचना लगी है 1 वीक के बाद ये लोग आएंगे, ठीक, ये सूचना के बाद में मान लीजिए अचानक से बहुत इंपॉर्टेंट सूचना कोई और आ जाती है, ठीक है, और इस सूचना को हटा करके सोचा सबने पढ़ ली होगी भाई, क्योंकि 50 के 50 लोगों को ध्यान कौन रखता है, और सूचना बदल दी, ठीक है, सूचना बदल दी भाई, ये सूचना है, ऐसी सूचना को लगा दी बदल करके। अब क्या हुआ, वो जो एम्प्लॉई है 5 छुट्टी से वापस आए, आकर देखा अच्छा यहाँ तो ये सूचना लगे, चलो ठीक है, इसका मतलब जो इससे पहले वाली सूचना थी उस तक उनकी पहुँच ही नहीं हो पाई, ठीक। अब पहुँच नहीं हो पाई तो क्या हुआ, अधिकारी ने बाद में जब उसको लेकर के बात की, मान लीजिए रूल तो छुट्टी से रिलेटेड ही या कुछ भी चीज़ थी, अब ये 5 लोग सर्वाइव कर गए उसको लेकर के, ये गए बॉस के पास भागे भागे, सर ऐसे कैसे हो सकता है हमारे साथ, ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है, फलाना ढिमकाना, इन्होंने अपनी कंप्लेंट की। अधिकारी बोलेंगे अरे बेवकूफ हो, सूचना लगाई तो थी। बोलेंगे सर कहाँ सूचना, ये दिखाएंगे सर यहाँ तो ये वाली सूचना लगी हुई है। बोलेंगे इससे पहले लगाई थी भाई, पहले वाली सूचना नहीं पड़ी तुम लोगों ने, सर हम तो छुट्टी पे थे इतने समय के लिए, हमें कहाँ सूचना मिली कि कुछ चेंज, एक साल के लिए आपने सैलरी में स्ट्रक्चर चेंज किया या इंसेंटिव का स्ट्रक्चर चेंज किया, क्या चेंज किया, हमें सूचना नहीं मिली। तो क्या होगा कि यहाँ पर सूचना का माध्यम एक था, तो जो विभिन्न माध्यम होते सूचनाओं के उनका अवरोध था यहाँ पर, ठीक है। अब विभिन्न माध्यम कैसे हो सकते हैं भाई, जो सूचना थी उसको SMS के थ्रू भेज सकते हैं, फोन कॉल कर सकते हैं, ठीक, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, लेटर भेज सकते हैं पर्सनली सबके पास में, तो उनकी कमी यहाँ पे देखी गई। और उनकी कमी के हिसाब से क्या हुआ, ऑटोमेटिकली 5 एम्प्लॉई और इस अधिकारी के बीच में एक गैप बन गया। वो क्या बोलेंगे, इनने जानबूझ के ऐसा किया अधिकारी ने, ये हम पे चिढ़ता है, ठीक है, हमें सूचना देनी ही नहीं थी इसको, वरना हमें ईमेल नहीं कर सकते थे, हमें वैसे बता देते पर्सनली, लेटर देते हमें। तो क्या हुआ, यहाँ पर ना चाहते हुए भी एक स्थिति बन गई जिसमें अधिकारी की नज़रों में ये 5 एम्प्लॉई और इन 5 एम्प्लॉई की नज़रों में अधिकारी गलत साबित हो रहे हैं, ठीक। हालांकि गलती किसी की भी नहीं है, गलती है केवल क्या, सूचनाओं के विभिन्न माध्यमों को ना अपनाने की गलती, ठीक। तो उसको खत्म करना भी एक प्रभावी वाला तत्व है कि जो सूचनाओं के विभिन्न माध्यमों के बीच में जो अवरोध उत्पन्न होते हैं अगर उनको खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया जाए तो भी एक प्रभावी तत्व बनता है, किसका, अपवर्ड कम्युनिकेशन का, ऊपरी मुखी संचार का, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऊपरी मुखी संचार है आपका, अपवर्ड कम्युनिकेशन ये समाप्त होता है। मिलते हैं अगले टॉपिक में, थैंक यू वेरी मच।